अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि इतिहास की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तोपखानों के दम पे लड़ी गई है। बाबर जब भारत आया तो वह तोप लेके आया था। धीरे धीरे आधुनिक हथियारों का दौर आया। अंग्रेजों ने 6 सितंबर 1915 को दुनिया का सबसे पहला टैंक पेश किया। आज तमाम देशों के पास आधुनिक तकनीकों से लैस टैंक है। आज मैं आपको ऐसे ही विनाशकारी टैंक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद ही आपने कभी देखा होगा। नंबर 10, T-90। रूस के T-90 टैंक के मौजूदा वक्त में कई मॉडल हैं। इस टैंक को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ टैंकों में से गिना जाता है। कम ऊंचाई और बेहद मजबूत कवच के कारण इस टैंक को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल है। इस टैंक में 125 mm की स्मूथ बोर गन है। T-90 के इस तोप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रात में भी दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगाया गया है। T-90 टैंक में V925F टर्बोचार्ज स्विफ्ट इंजन लगा हुआ है जो 1130 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है। यह टैंक 5 मीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार कर सकता है और इस टैंक की कीमत लगभग $157 करोड़ है। नंबर 9, Leopard 2A6। Leopard 2A6 मुख्य रूप से 2A5 टैंक का एक अपग्रेडेड वर्जन है। यह 120 mm की स्मूथ बोर तोप से लेस है और V12 ट्विन टर्बो डीजल इंजन द्वारा संचालित है। इसने 1980 में अपनी सेवाएं देना शुरू की। इसके बाद लगातार इसे अपग्रेड किया जा रहा है। Leopard 2A6 इसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसका इंजन 1500 हॉर्स पावर का है जो इसे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम बनाता है और इसकी कीमत लगभग $5.74 मिलियन है। नंबर 8, Merkava 6। इस टैंक को इजराइल में बनाया गया है। इसकी बॉडी स्टील और सिरेमिक से मिलकर बनी है। इंजन इसके अगले हिस्से में लगा है जो क्रू मेंबर्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। इस टैंक में लगाए गए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम में दुश्मन के मिसाइलों को खत्म करने की क्षमता है। इसमें 1200 mm का MG-253 स्मूथ बोर्न गन लगा हुआ है। यह 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस टैंक में 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसमें 1500 हॉर्स पावर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगा है और इसकी कीमत लगभग $4.5 मिलियन है। नंबर 7, Arjun MK2। अर्जुन टैंक ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं 2004 में देना शुरू की। इसका सबसे आधुनिक मॉडल अर्जुन MK2 है जिसका वजन 55 टन है। इसके द्वारा 120 mm ताकतवर गोलों के साथ निर्देशित मिसाइलें भी दागी जा सकती है। इसकी बॉडी स्टील और सिरेमिक से बना है। टैंक में लगा लेजर वार्निंग रिसीवर और जैमर विरोधियों की तरफ से होने वाले निर्देशित हमलों को भी रोकने में सक्षम है। यह टैंक 1400 हॉर्स पावर के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसकी कीमत लगभग $7.8 मिलियन है। नंबर 6, M1A2। M1 अब्राम्स युद्ध के लिए बेहतरीन टैंकों में से एक है। 1991 और 2003 में इसने साबित कर दिया कि यह सोवियत युग की सबसे बड़ी टैंकों में से एक है। इस टैंक का वजन 70 टन है। इसकी बॉडी यूरेनियम और ग्रेफाइट से मिलकर बना है जो टैंक का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। इसकी 120 mm तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रकाश विज्ञान की सहायता से सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसकी छत पर एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी मौजूद है। यह टैंक 1500 हॉर्स पावर के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसकी कीमत लगभग $9.50 मिलियन है। नंबर 5, Challenger 2। इस टैंक को ब्रिटेन के अलावा सिर्फ ओमान ही इस्तेमाल करता है। इसके बॉडी के लिए बहुत ही उच्च स्तर के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है जो स्टील से दोगुना ताकतवर है। 70 टन के इस टैंक में 120 हॉर्स पावर का इंजन है जो इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में मदद करता है। इस टैंक की सबसे खास बात यह है कि यह रात के समय में 120 mm के गन से फायरिंग करने की क्षमता रखता है। इस टैंक में 4 लोग आराम से आ सकते हैं। यह टैंक 1998 में सेवा में आया था जिसके बाद से इसमें कई बदलाव किए गए। चैलेंजर 2 इसके श्रेणी का एक अपडेट किया हुआ मॉडल के तौर पे जाना जाता है। भविष्य में इसको और भी कई तकनीकों से जोड़ने की बात की जा रही है। नंबर 4, K2 ब्लड पैंथर। दक्षिण कोरियाई द्वारा बनाया गया K2 ब्लड पैंथर को एक लाजवाब टैंक माना जाता है। ब्लैक पैंथर एक अपडेट किया हुआ मॉडल है
इसको बनाने की शुरुआत दक्षिण कोरियाई ने 1995 में की थी, जिसमें करीब $260 मिलियन खर्च आया था। इसमें 120 mm का तोप है और 1500 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा हुआ है, जो इसे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में मदद करता है। और इसमें L-55 बंदूक भी है, जो करीब रेंज में शॉट लगाने के लिए बनाई गई है। इसके वजन की बात करें तो यह केवल 55 टन का है, जो अन्य टैंक की तुलना में 10 टन हल्का है। नंबर 3, T-14 अरमाता। इस टैंक को रूस के द्वारा बनाया गया है। इसमें 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इस टैंक के ऊपर 50 कैलिबर का बंदूक लगा है। यह अरमाता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है। ज्यादातर टैंक में 120 mm की बंदूक का प्रयोग किया जाता है, पर अन्य की तुलना में इसमें 125 mm वाली तोप का प्रयोग किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह रेतीले मिट्टी में भी काम कर सकता है। 55 टन का यह टैंक 2000 हॉर्स पावर के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इन सभी खासियतों के कारण रूस सेना इसको अपना खास हथियार मानती है, इसलिए रूस ने इस टैंक को किसी भी देश को नहीं दिया है। नंबर 2, T-80। यह अपनी तीसरी पीढ़ी का एक अपडेट किया हुआ मॉडल है। इस टैंक को सोवियत संघ ने डिजाइन और निर्मित किया है। इस टैंक को कई बार अपडेट किया गया है। इसको सबसे पहले 1976 में बनाया गया था। उस समय इसमें 1000 हॉर्स पावर गैस टरबाइन इंजन का प्रयोग किया गया था। T-80 का सबसे पहले इस्तेमाल फर्स्ट चेचन वॉर 1994 में किया गया था। 42 टन का यह टैंक 1250 हॉर्स पावर के साथ 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इसकी कीमत लगभग $3 मिलियन है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कीजिए IQ Mind चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, AMX-56 लैकर्स। ये फ्रांस का सबसे मुख्य टैंक है। इसकी कीमत अन्य टैंक से बहुत ज्यादा है। टैंक में मॉड्यूलर कवच का इस्तेमाल किया गया है, जिसे तेजी से बंद किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। इसका कवच स्टील, सेरेमिक और केवलार के मिश्रण से बना हुआ है। टैंक के अंदर बिजली की व्यवस्था भी है। इसके अंदर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये प्रति मिनट 12 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। 56 टन का यह टैंक 1500 हॉर्स पावर के साथ 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और इस टैंक की कीमत $9.5 मिलियन है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इन सब में से सबसे अच्छी टैंक कौन सी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।